नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम घड़ी के संबंध में बात करना चाहते हैं। हर घर में घड़ी लगाई जाती है और किसी न किसी दीवार पे लगाई जाती है। क्या हम जानते हैं कि किस दीवार पर लगाने का क्या प्रभाव है, किस दीवार पर लगाना अच्छा होता है, किस दीवार पर लगाना अच्छा नहीं होता है। इस वीडियो में हम तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करेंगे कि घड़ी को किस दिशा में हम लगाते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले घड़ी किस तरह से काम करती है वास्तव में, इसकी चर्चा करते हैं। घड़ी एक चलती हुई मशीन है जो अपने आप में एनर्जी लिए रहती है। यह एनर्जी जिस दीवार पे लगती है उस दीवार की एनर्जी के साथ अपने आप को समायोजित कर लेती है। इस समायोजन के बाद घर में उस ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही ऊर्जा आपके वास्तु में अपना प्रभाव डालती है। अगर वो ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव प्रभाव डालेगी, अगर यह ऊर्जा नेगेटिव होगी तो नेगेटिव प्रभाव डालेगी। तो हम नकारात्मक ऊर्जा को कैसे समाप्त करें, सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, इसी तथ्य पे हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम पूरब दिशा की बात करते हैं। पूरब दिशा को सूर्य की दिशा कही जाती है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य यश, कीर्ति और स्वास्थ्य का कारक होता है। ज्येष्ठ पुत्र या पिता का कारक होता है। अगर सूर्य खराब होंगे तो आपकी कुंडली में, तो आपको इन चीज़ों में समस्या पाई जाएगी। आप पूरब दिशा में जब आप घड़ी को लगाते हैं तो इन चीज़ों का विकास होता है। पूरब दिशा पे घड़ी लगाना शुभ होता है। घड़ी लगाने के बाद क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम अंत में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा बुध की दिशा है, कुबेर की दिशा है। इस दिशा में जब आप घड़ी लगाते हैं, यह घड़ी आपके घर में व्यवसायिक वृद्धि, नौकरी से संबंधित वृद्धि, शिक्षा से संबंधित वृद्धि, ढेर सारी शुभ चीज़ों को वृद्धि करती है। पूरब और उत्तर दिशा की दीवार पर ही घड़ी लगाना अच्छा माना जाता है। इन दोनों स्थानों से सबसे श्रेष्ठ पूरब उत्तर के कोने अर्थात ईशांत कोण पर आप घड़ी लगाएंगे तो वह इन दोनों से भी श्रेष्ठ होगा। यह स्थान शिव का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है। इनकी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ से विकास मिलता है जब आप यहाँ पर घड़ी को लगाते हैं। यही घड़ी जब आप पश्चिम या दक्षिण दिशा पर लगाते हैं तो क्या प्रभाव होता है। पश्चिम दिशा शनि की दिशा मानी जाती है। आपने सुना होगा कि शनि खराब होने पर ढेर सारी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साथी या अढ़ैया, बड़े से बड़े कष्ट का कारक कहीं न कहीं शनि को ही पाया जाता है। पश्चिम दिशा पे जब आप घड़ी लगाते हैं तो इन नकारात्मक गुणों की वृद्धि होने के पूरे चांसेज रहते हैं, इसलिए पश्चिम दिशा पे घड़ी नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की बात करें, इस दिशा पे राहु, मंगल एवं पितरों का प्रभाव होता है। जब आप दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी लगाते हैं तो इन गुणों में वृद्धि होती है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। फिर से एक बार सारी बातों को हम दोहरा दें अगर, तो सबसे श्रेष्ठ पूरब उत्तर का कोना अर्थात ईशांत कोण, उसके बाद पूरब और उत्तर दिशा में ही घड़ी को लगाएं। भूलकर भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में घड़ी ना लगाएं। अब हम बात कर लें कि घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए। तो आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा, घड़ी का जो सबसे सुंदर आकार है, सबसे शुभ आकार है, वो गोल आकार है। बाजार में ढेर सारे आकार की घड़ियां बिकती हैं, लेकिन कोशिश करें आप गोल आकार की ही घड़ी लगाएं। हम आकार की के साथ साथ उसकी कितना बड़ा और कितना छोटा हो इसके बारे में बात करें तो कोशिश करें घड़ी का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े आकार की घड़ियां शुभ मानी जाती हैं। कहा जाता है जब आप शुभ दिशा पे बड़े आकार की घड़ी लगाते हैं तो उस एनर्जी में वो ज़्यादा विकास करता है। अब हम बात करते हैं घड़ी के शीशे के संबंध में। कभी भी अगर शीशा टूटा है या टूट गया है
पहली बात तो टूटना अच्छा नहीं होता है, अगर टूट ही गया है तो आप तत्क्षण घड़ी या शीशे को बदल दें, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। घड़ी अगर बंद होती है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी उसके सेल को परिवर्तित कर दें। घड़ी जैसे हमें वर्तमान के बारे में बताती है और भविष्य के बारे में बताती है कि कितना बजने वाला है, ऐसे ही उसका पिछला हिस्सा जो होता है घड़ी के पीछे के हिस्से में जहाँ पर मशीन लगी रहती है, वो हमारे पास्ट की सूचना देती है। वो राहु का स्थान माना जाता है, वो छिपा स्थान माना जाता है। कोशिश करें वहाँ पर गंदगी या जाले जल्दी ना आने पाए, यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। घड़ी से आप कई प्रयोग अपने घर में करके देख सकते हैं। आपका बेटा अगर कंसंट्रेशन नहीं अच्छे से कर पा रहा है एजुकेशन में, तो आप अपनी घड़ी को पूरब उत्तर कोने पे लगा कर देखें। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारी घड़ी वहीं पर लगी है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। तुरंत आप घड़ी के आकार में देखिए कि आकार कैसा है, और दूसरी बात घड़ी के पीछे का हिस्सा कहीं गंदा तो नहीं हो गया है। इन चीज़ों में परिवर्तन करके देखिए, आप अवश्य चेंजिंग पाएंगे, क्योंकि यह विषय हमने प्रयोग में करके देखा है। कई घरों में जाकर देखा, केवल घड़ी के ही परिवर्तन मात्र से उनके वास्तु में जो निगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई, घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। वास्तु एक विज्ञान का विषय है, कोई चमत्कार का विषय नहीं है, हर पीछे कार्यकारक का संबंध है। इसी तरीके की अच्छी वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल ज्योतिष पंचांग के माध्यम से लाते रहेंगे। धन्यवाद, श्री राधे। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूले। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।